Good evening to all. And in the previous class, we have studied about animal diversity. I have given you MCQs. आप लोग उसको सॉल्व करिए, फिर कभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली. ओके, इसके बाद एक टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो बॉटनी के जो भी टीचर आएंगे वो स्टार्ट करेंगे. लास्ट ईयर भी उन्होंने ही किया था. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एनिमल किंगडम. बस एक बेसिस मैं यहाँ बता दूँ कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को सेपरेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं. The cells of the plantae, they have a cell wall, and the cells of the animals, they don't have the cell wall. Plasma membrane दोनों में present है, ठीक है. लेकिन जो plant kingdom के हैं उनमें cell wall present है और animal kingdom में cell wall absent है, ठीक है. And he may discuss the things in detail कि five kingdom classification क्या है. Okay? और यहीं पे सेल्यूलर
ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है कि सेल्स जो है एग्रीगेटेड हो गए और एक टाइप का हो सकता है कि कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट अभी टिश्यू ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया। ठीक है, सो देयर मे बी सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स, बट इंडिविजुअली ऑल्सो द सेल्स परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, वी से दैट दे हैव अ सेलुलर ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लूज सेल का एग्रीगेट है, बहुत कम डिवीजन ऑफ लेबर है और कुछ स्पेशलाइज सेल्स हो जाती है जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमिलर टाइप के टिश्यूज हैं, सिमिलर टाइप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात होता है कि दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इनके अंदर सिमिलैरिटी है और ये एक ऐसा एग्रीगेट बनाते हैं कि कलेक्टिवली ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट्रेट अभी है एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है सेल का और एक ही टाइप का फंक्शन वो सारे सेल जो है एग्रीगेटिव है और परफॉर्म कर। देन देयर इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू विल फाइंड इन हेल्थ। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो, जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए। तो इस तरह से क्या है कि हायरार्की अब क्या चल रही है, एक डेफिनेट ऑर्डर में चल रही है और एडवांसमेंट होता जा रहा है कैरेक्टर्स का। सो इन द प्लैटिहेलमिंथ यू विल सी देयर इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे जो एक तरह के टिश्यू हैं वो आपस में एग्रीगेट कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ यूनिक फंक्शन। ओके, देन द नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हाईएस्ट है इस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एनी लीड से ऊपर आप सारे कॉर्टेक्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू आपस में मिल सकते हैं, लेकिन एक अगर हम फाइनल फंक्शन देखें तो एक कोई पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। सो दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे एपिथीलियम भी है, जर्मिनल लेयर्स भी है, देन सर्टेन एंडोक्राइन सेल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इंक्लूडेड, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिमेट्री। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेट्री देन इन द एनिमल ग्रुप अगेन देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ सिमेट्री। लेकिन किसी एनिमल ग्रुप को हम उठाते हैं तो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वहाँ किस टाइप की सिमेट्री पाई जाए। ठीक है, वेदर इट इज रेडियल और बाइलैटरल। ओके, सम ऑफ देम आर स्पेसिफिकली पेंटा रेडिएट, है कि नहीं। तो हम सिमेट्री किसको, व्हाट इज सिमेट्री, टू इक्वल पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिवाइड करें तो क्या ये सिमेट्री है, इसमें एक चीज मिस हो रही है, मिरर इमेज हाफ होना चाहिए। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हम तभी कहेंगे व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर इमेज हाफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दिस एनिमल इज शोइंग बाइलैटरल सिमेट्री, सो इफ दिस इज द राइट हाफ इट इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर में जब हम देखते हैं अपने आप को तो कुछ इसी तरह का इमेज बनता है ना, हमारा जो लेफ्ट है वो राइट, इस तरह का इमेज होता है। और रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल, ये दो बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। रेडियल सिमेट्री में हम कई प्लेन्स में उस एनिमल को अगर कट करेंगे तो सिमेट्री
मिरर इमेज हाउस। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को लाइटली मत लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आएगा किस स्टेट, ठीक है। कोई एक एनिमल का नाम दे दिया जाएगा और उसके अंदर पूछा जाएगा कई सारे पैरामीटर्स को लेके कि इसमें से कौन सा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको सारा याद नहीं रहेगा कि कहाँ कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो बाइलैटरल हैं और कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो रेडियल हैं, तो आप वहाँ कन्फ्यूज कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जब हम टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान जब गैस्ट्रुलेशन पीरियड चल रहा होगा तो उसके बाद एक फेज मैप डिफाइन होगी। सो द ब्लास्टोमेर्स गेट्स अरेंज्ड इनटू थ्री जर्मिनल लेयर्स, द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। लेकिन सारे एनिमल में नहीं होगा, सम ऑफ देम आर डिप्लोब्लास्टिक हैविंग ओनली टू जर्म लेयर्स, द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, एंड सम ऑफ द फॉर्म्स दे हैव द थ्री जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये टर्म है। डिप्लो मतलब दो जर्म लेयर, ट्रिप्लो मतलब तीन जर्म लेयर, ठीक है। एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहो तो पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। और जब हम सीलेंट्रेट के ऊपर पढ़ते हैं प्लैटीहेलमिंथ्स, तो इसके आगे जितने भी हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इन दोनों में देखिए, पॉरीफेरा में तो बहुत ही सिंपल से लेग्रीगेट प्लान है, सीलेंट्रेटा में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसके बीच में एक मेसोग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, मेसोग्लिया। लेकिन इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा, दिस इज नॉट ए जर्म लेयर, इट इज डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मेसोग्लिया किसमें प्रेजेंट है, और अक्सर जहाँ पे आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में चॉइस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ सिलेंट्रेटा जरूर है, ठीक है। लोग कंफ्यूज करते हैं मेसोग्लिया से, सो मेसोग्लिया इज नॉट मेसोग्लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द सीलोम। सीलोम को अंडरस्टैंड करना है कि सीलोम है क्या। तो बेसिकली इट इज द बॉडी कैविटी, सीलोम जो है वो बॉडी कैविटी है, लेकिन बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। इफ इट इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म वेल देन वी डोंट कॉल इट अ सीलोम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बॉडी कैविटी should be lined by mesoderm, then only it is a true body cavity and we call it a siloam. If it is not lined by mesoderm, it is a false siloam. जैसे कि nematodes में present होता है उसको pseudo silomate बोलते हैं, because they don't have a body cavity lined by mesoderm. Okay? अब siloam का जब development होता है वो दो प्रकार से, एक है साइजोसीलस, दूसरा है एंटेरोसीलस। तो साइजोसीलस में क्या होता है कि मेसोडर्म का जब लेयर बनता है गैस्ट्रुलेशन के टाइम में सेल्स के रीअरेंजमेंट से, देन देयर इज स्प्लिटिंग अप ऑफ द मेसोडर्म एंड दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है। तो ये साइजोसीलस सीलोम है जिसमें कि आप देखोगे कि इट इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। एनी विंगर वो पहला फाइलम है जहाँ से सीलोम स्टार्ट हुआ है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे साइजोसीलस सीलोम, एनी विंगर, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ऑल दीज दे हैव साइजोसीलस सीलोम। दूसरा जो सीलोम है दैट इज एंटेरोसीलस सीलोम।
जो ब्लास्टोफोर है वो क्या बनता है? ब्लास्टोफोर एक स्ट्रक्चर है, वो फिर किस फॉर्म में डेवलप होता है? तो इस तरह से फिर दो टाइप है, द प्रोटोस्टोम एंड द ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट अगर होगा जैसा कि एग्जाम्पल से मोलस्का और एनीलिया, तो यहाँ पे डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है। और जब ब्लास्टुलेशन होता है तो उस सेल में ब्लास्टो सील बनता है। ठीक है, ब्लास्टो सील एंड देन देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द ब्लास्टोफोर। नाउ दिस ब्लास्टोफोर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ माउथ। ब्लास्टोफोर जो है वो माउथ बनाएगा, इसलिए माउथ पहले बनेगा। प्रोटो स्टोम, प्रोटो फर्स्ट एंड स्टोम मतलब कि एक जो कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी बन रही है, तो यहाँ पे ब्लास्टोफोर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माउथ। माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगा, या हो सकता है कि एनस ना हो। ठीक है, ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें कि एनस ना हो। तो ये एक टाइप है। दूसरा यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट शो किया गया है। तो ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट में आप दो चीज़ों को देखो, एक तो यहाँ देखो सीलोम कैसे सेपरेट गैस्ट्रिक पाउच के फॉर्म में आ रहा है, सेपरेट गैस्ट्रिक पाउच के फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे ये जो ब्लास्टोफोर है, दिस विल नॉट फॉर्म द माउथ, इट विल फॉर्म द एनस। माउथ जो है वो बाद में डेवलप होगा, सो इट इज ड्यूटेरोस्टोम। तो इससे एग्जाम्पल्स हैं इकाइनोडर्म्स एंड पॉडर्म्स। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि कौन सा कैरेक्टर किस फाइलम से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन मैंने पहले भी बताया था कि एक तो ट्रू सेगमेंटेशन है और एक फॉल्स सेगमेंटेशन है। तो जब हम फॉल्स सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो टर्म यूज किया जाता है स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन, सो इन स्यूडो सेगमेंटेशन व्हाट हैपेंस, देयर मे बी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नॉट करस्पॉन्डिंग इंटरनल सेगमेंटेशन। ओके, सो द एग्जाम्पल इज टेप वर्म। तो वहां पे आप देखो फॉल्स सेगमेंटेशन। ओके, एंड ईच ऑफ द सेगमेंट इज नोन एज अ प्रोग्लॉटिड। ठीक है, या स्ट्रॉबीला, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉबीलाइजेशन एंड इट इज कॉल्ड स्ट्रॉबीला या प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो सेगमेंटेशन है एडवांस है, इट इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। तो इसमें जो सेगमेंट्स है उसको मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं। और एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड देयर विल बी अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गन्स और सम ऑफ द टिश्यू। लाइक किडनी कहाँ पे होगा, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा, वो फिक्स। ठीक है, देन दीज आर रेफर टू मेटामेयर्स और सोमाइट्स भी बोलते हैं। वर्ड के डेवलप
जेनेरिक सेगमेंट या सोमाइन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी एग्जाम्पल, देन नेक्स्ट पॉइंट इज नोट रिकॉर्ड, ठीक है। अभी देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे वो बाद में आएंगे जब हम लोग फाइलम को स्टडी करेंगे, तो फाइलम के बाद जो क्लास में बांटा जाता है तो वहाँ पे फिर हम लोग बेसिस पढ़ेंगे, तो वो हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ये हम लोग जनरलाइज्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किस बेसिस पे एनिमल किंगडम का हायरार्किकल ऑर्डर बना है, हम लोग फाइलम्स को बांटेंगे, ठीक है। नोटोकॉर्ड मैंने उस दिन भी बताया था, कॉर्डेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये लाइफ कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट, इट मे बी प्रेजेंट एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज नोटोकॉर्ड इज, ये मेसोडर्मल टिश्यू है, ठीक है, मेसोडर्मली डिराइव्ड एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इलास्टिक शीट से कवर्ड होता है, उसके अंदर फाइबरस शीट होती है और यहाँ पे कॉर्ड लाइक टिश्यू, सो दिस फॉर्म्स द नोटोकॉर्ड। और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उसमें प्रेजेंट होगा, लेटर ऑन इट मे हैव डिफरेंट फेट्स, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसमें वो थ्रू लाइक प्रेजेंट होगा या किसमें वो फिर डिसअपियर हो जाएगा, किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू वर्टिब्रेट। तो जो भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट बोलते हैं, सो दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन, और जो नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट आता है, जब हम इनवर्टिब्रेट बोल रहे हैं दैट मीन्स वी आर मीनिंग द वर्टिब्रल कॉलम, इजंट इट, तो ये टर्म यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है हम उनको इनवर्टिब्रेट बोल सकते हैं, है ना, एंड देन वर्टिब्रेट, तो इट्स बेटर टू कॉल नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट अगर हम नोटोकॉर्ड के कैरेक्टर को देखते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन है एक्सियल स्केलेटन बनाना, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन क्या है, जो हमारे बॉडी का मेन एक्सिस बनाना है, वर्टिब्रल कॉलम मेन एक्सिस है, और न्यूरल ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक एक सिस्टम देखेंगे, ये सिस्टम में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं जब हम लोग फाइलम के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी इनकम्प्लीट और कम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट होगा तो माउथ से स्टार्ट होगा बट देर विल बी नो एनस, ठीक है, एनस इज नॉट प्रेजेंट, सो इट इज इनकम्प्लीट। एंड इफ इट स्टार्ट्स from mouth and ends in the anus, it is called complete digestive system. अब यहाँ पे आप देखो जो flatworms हैं, तो यहाँ पे incomplete, ठीक है, क्योंकि जो excretory waste है उसके लिए कुछ अलग structure है, may be flame cell or nephron. In some other forms, it may be nephridial system also, protonephridial system also. तो यहाँ पे जो food है वो obviously, आप देख लो किस तरह से यहाँ पे it is without anus. Then if we consider the alimentary canal of human being, then there is mouth. Mouth for feeding and anus for excretion. Okay? उसके अलावा और भी structures हो सकते हैं, और भी organs हो
एनएस, और जो फूड वेस्ट है वो डायरेक्टली फिर एनएस के थ्रू ही एग्रीगेट होगा। नेक्स्ट इज द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरह का यहाँ पे भी डिवीजन है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लोज टू लार्ज ओपन स्पेसेस। तो ब्लड हमेशा ट्यूब के अंदर बंद नहीं रहेगा, बॉडी कैविटी है अगर तो वहां पे भी ब्लड फ्लो करेगा। इट विल नॉट ऑलवेज बी इनसाइड द साइनसेस। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, डेफिनेट ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरीज, वेन्स, देन कैपिलरीज, एंड ऑलवेज द ब्लड विल बी एनक्लोज्ड, इट विल नेवर फ्लो इनटू द सीलोम और एनी काइंड ऑफ कैविटी। तो ब्लड फ्लोज इन और थ्रू डेफिनेट वेसल्स एंड दे हैव अ वेरी वेल डिफाइंड सर्किट। ऐसा नहीं है कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है कहीं जा रहा है फिर वो हजारली जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। कहाँ पे ऑक्सीजनेशन होना है वो फिक्स है, उसके बाद फिर उसका यूटिलाइजेशन एंड हाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल अगेन कम। तो ये पूरी एक जो पाथवे है वो वेल डिफाइंड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोड्स में ये है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिलिड्स एंड वर्टिब्रेट्स। ओके, तो यहाँ डायग्राम मैंने आपको दिखाया भी गया है, ओपन सिस्टम में यू कैन सी हियर दैट देयर इज एन ऑर्गन, देयर मे बी एन ऑर्गन फॉर पंपिंग, उसके बाद फिर आर्टरी भी हो सकता है और जो चैनल्स हैं वो हो सकते हैं, बट लास्टिंग ऑर्गन है ये, जब ब्रांचिंग हुई है तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं और यहाँ पे फाइन कैपिलरीज से ये जुड़ा हुआ है। ब्लड यहाँ पे फ्लो कर जाएगा इनटू स्पेसेस एंड हियर इट विल ऑलवेज बी एनक्लोज्ड। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कैरेक्टर है रेस्पिरेशन का। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट आल्सो इज कंसिडर्ड व्हेन वी क्लासिफाई द एनिमल्स। बहुत विविड है, ठीक है, अगर आप लोएस्ट फॉर्म्स को लें जैसे कि पॉलीफेरल्स हैं तो वहाँ सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कैन टेक प्लेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। पॉलीफेरा में इवन इन सीलेंट्रेट्स इट मे बी थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, और उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो क्यूटेनियस एनिलीडा में आप देखोगे क्यूटेनियस है, एम्फीबिया में भी क्यूटेनियस है, स्किन के द्वारा, ठीक है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जब हम बोल रहे हैं दैट मीन्स मोस्टली रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, देन गिल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फिश एंड ऑल्सो सम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। देन डर्मल ब्रैंकी, डर्मल ब्रैंकी इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म, ट्यूब फीट के द्वारा भी होता है इकाइनोडर्म में, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, हुक गिल्स लिमुलस में प्रेजेंट है, हुक लंग्स स्पाइडर में प्रेजेंट है, देन रेस्पिरेटरी ट्रीज सी कुकुम्बर जो कि इकाइनोडर्म में आता है मोनोकोटिलियंस के लिए, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रीज है, देन लंग्स है जितने भी हायर कॉर्डेट्स है वहाँ पे लंग्स है, तो एम्फीबिया से स्टार्ट हो जाता है, एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड मैमल इन सभी में लंग्स के द्वारा होगा। देन इन सम ऑफ द फिशेस देर आर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑल्सो, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि हेट्रोक्लिस्टिस है, या आप रोड से इधर से जाते हो जो फिश बाजार लगता है वहाँ पे कभी देख सकते हो मांगुर मछली क्लैरियस जिसको बोलते हैं,
तो क्लैरियस को टब में ही पानी में रखते हैं और काफ़ी टाइम तक वो उसमें सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्लैरियस हुआ, हेट्रोपिनिस्टिस हुआ, एनाबस। सो समटाइम्स यू मे सी कि बहुत हैवी रेनफॉल अगर होता है तो एनाबस जो है वो आपको इस तरह से दिख जाएगी जमीन पे भी, जहाँ थोड़ा सा पानी का बहाव हुआ शैलो वाटर में ये रहती हैं और ये चली आती हैं लैंड पे। तो इसको क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं, ठीक है, नाम इसका दिया गया है क्लाइंबिंग पर्च। तो इसके पास भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका ये मतलब नहीं है कि गिल्स नहीं है। मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज गिल्स, बट इफ नीडेड, अगर थोड़ा सा एकदम सूखे जगह पे चले जाए तब भी कुछ टाइम के लिए इनका जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और आप कभी कभी देखोगे कि हेट्रोपिनिस्टिस जो लोग खाते होंगे उनको मालूम होगा कि इवन इफ यू कट इट इन टू टू हाफ्स तब भी ये रेस्पायर करता रहता है ड्यू टू द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसलिए जल्दी ये मरते नहीं। इसी तरह से एक फिश है डिप्नोअन, जिसको डाइप्लोस्टिया डिप्नोअन्स, डिप्नोअन में तीन ही लिविंग जेनरा प्रेजेंट है और फॉर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक ऑस्ट्रेलिया में एकदम से कटा हुआ है बाकी लैंड से, ठीक है। तो तीन ही इसका सर्वाइवल सर्वाइवर्स हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन एंड नियोसिलेटोरस, और तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसके पास लंग्स, ठीक है, तो ये गिल भी है और लंग्स भी है, लंग्स के द्वारा भी रेस्पायर कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने जो एग्जाम्पल्स बताया इसमें क्लैरियस में सुप्रा ब्रैंकियल ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑफियोसिफेलस जिसको चलना बोलते हैं उसमें एयर सैक प्रेजेंट है, और एनाबस में लैबिरिंथाइन ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। और लिमुलस के बारे में कोई कुछ बता सकते हैं? इट इज ए लिविंग फॉसिल एंड इट हैज हुक गिल्स, हुक के पन्ने की तरह गिल्स का अरेंजमेंट, एंड दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। I don't know.
हम बोलेंगे, और उसके बाद अगर हम उसके सेल्यूलर लेवल पर जैसे जाएंगे तो फिर वो टर्म चेंज हो जाएगा, जैसे किडनी है अगर हम बोलेंगे कि उसका यूनिट क्या है, सो इट विल बी नेफ्रॉन। ओके, देन देयर मे बी डाइवर्सिफाइड रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जैसे कि परमिशियम में आप देखोगे कि सिंपल एसेक्सुअल बाइनरी फिशन है, ठीक है, देयर मे बी कॉन्जुगेशन ऑल्सो। तो अगर सिचुएशंस फेवरेबल है तो बाइनरी फिशन होता है और लॉन्गिट्यूडनल फिशन होता है, और अगर सिचुएशंस अनफेवरेबल हो जाए धीरे धीरे विगत जो है वो घट जाती है अगर, तो ये कंजुगेट करते हैं। कंजुगेशन से एक का मटेरियल दूसरे में जब मिक्स होता है तो फिर से वो विगर एंड वाइटैलिटी मेंटेन होती है। सो इट मे बी बाय फिशन और बाय कंजुगेशन। तो इस तरह से है एसेक्सुअल बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम, एसेक्सुअल लॉन्गिट्यूडनल फिशन इन ट्रिपैनोसोमा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो फॉर्म्स हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये अलग अलग मोड में रिप्रोड्यूस कर सकते, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दे कैन चेंज देयर फॉर्म्स। जैसे ट्रिपैनोसोमा में आप जानोगे कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरासाइट है ह्यूमन का, और सीसी फ्लाई जो है वो ग्लोसीना उसका वेक्टर है, ठीक है, जिसकी कुछ साइकिल सीसी फ्लाई में चलती है, कुछ साइकिल ह्यूमन में चलती है, और जब ये एक से दूसरे फॉर्म में पहुंचता है, सीसी फ्लाई से ह्यूमन में पहुंचता है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। ओके, तो इन चीज़ों का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर कहीं कहीं पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है। फ्रेगमेंटेशन प्लानेरिया में बडी स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा पार्थिनोजेनेसिस हनी बी। सो इन दिस द मेल काउंटर पार्ट मे नॉट ऑलवेज बी रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, सो दे कैन गिव बर्थ टू सम ऑफ द फॉर्म्स इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ऐसा बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है, एनिलिड्स में होता है, रॉटीफर्स में होता है, सो दिस इज ऑल्सो देयर वर्जिन बर्थ वी कॉल इट। देन पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस एम्फीबिया या पीडोजेनेसिस से ज़्यादा अच्छा काम होता है कि हम एम्फीबिया में नियोटेनी बोलें। और पीडोजेनेसिस का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल फैसियोला हेपैटिका होगा, प्लैटीहेलमिन का, ठीक है। तो पीडोजेनेसिस में क्या होता है, जो लार्वा है उसके अंदर कुछ जर्म सेल्स होते हैं, तो सम ऑफ द स्पेसिफिक लार्वा मे गिव बर्थ टू द नेक्स्ट स्टेज, जैसे कि रीडिया, फैसियोला पढ़ोगे तो वहाँ पे एक लार्वा पढ़ोगे रीडिया, सो रीडिया कैन गिव बर्थ टू सेवरल सर्केरिया, सो द जर्म सेल्स दे डेवलप इनटू लार्वा फॉर्म्स, तो उसको पीडोजेनेसिस बोलते हैं। और जब हम नियोजेनी वर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, और जो लार्वा है इट बिकम्स नियोटेनस, इट रिटेन्स द लार्वल कैरेक्टर्स बट इट कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो, ठीक है, सो इट रिटेन्स द लार्वल कैरेक्टर। मान लो लार्वल कैरेक्टर हम बोल रहे हैं एम्फीबिया में, तो क्या हो सकता है, गिल हो सकता है, ठीक है, तो गिल रिटेन हो जाता है, एक्सटर्नल गिल रिटेन हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, फिर भी वो रिप्रोड्यूस करने लगा, इट विल नॉट चेंज इन टू एडल्ट फॉर रिप्रोडक्शन। सारे में नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि एक्सोलॉटल लार्वा, इट कैन रिप्रोड्यूस एंड इट रिटेन्स द लार्वा कैरेक्टर। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर इन केस ऑफ बर्ड्स मैमल्स, ओके, इवन इन एम्फीबिया देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन
रेप्टाइल ऑल्सो देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है कि बर्ड से ही स्टार्ट हुआ है, मैंने जस्ट दो एग्जाम्पल लिखे. Now, this table or chart is showing you all the fundamental characters and how we use it for the phylum level. ठीक है, phylum level के लिए जब हम phylum में बांट रहे हैं animal kingdom को, तो इन characters को use करते हैं. और इसमें से आप देखो, this is animalia, multicellular organism, ये kingdom. Then level of organization, अगर हम आधार ले रहे हैं तो एक सेलुलर लेवल हो गया, दूसरा टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम एंड टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज व्हेन वी टॉक अबाउट सेलुलर लेवल, देयर इज ओनली वन एग्जांपल दैट इज पॉलीफेरा. केवल एक ही फाइलम यहाँ पे है, दैट इज पॉलीफेरा. और जब हम टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल की बात करते हैं, तो फिर अब नेक्स्ट कैरेक्टर को लेके चलते हैं. सो कैन एनीवन नाउ रियलाइज हाउ वी आर गोइंग टू, और कल हमने की बात की है ना, की बात की थी टैक्सॉन्स के लिए, और की में क्या था, कॉम्प्लेक्स एंड देन ईच स्टेटमेंट इज ए लीड. तो यहाँ पे आप उस चीज का एकदम अच्छा सा एक एग्जाम्पल देख रहे हो कि यहाँ सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल, ठीक है, तो यही दो लेवल रखा गया और इसके आधार पर बांट लिया गया. अगर हम उस एनिमल को लेके आए और हमें लगा कि सेलुलर लेवल है, सीधे पॉलीफेर, अब इसमें से कोई भी है टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम, तो लेके चलेंगे. अब इसमें फिर हमें डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे. सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज सिमेट्रिक, सो कैन बी रेडियल और बाइलैटरल. अगेन अब अगर वो इधर जाएगा तो इधर नहीं आएगा, है ना. सो इफ इट इज रेडियल देन इट मे बी सिलेंड्रेटा या टीनोफोरा. अब सिलेंड्रेटा या टीनोफोरा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आगे यहाँ इस बीच में, ये तो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसी तरह से आपको दूसरे कीज मिलेंगे और उसके आधार पे आप उसको कर सकते हैं. यहाँ तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है. और दूसरा है बाइलेटेरिया या बाइलेट्रल सिमेट्री, जिसमें प्रेजेंट हम एक ही प्लेन से उसको कट कर सकते हैं, टू टू इक्वल मिलर इमेज हुआ. नाउ मेन ब्रॉडली अगर हम देखें तो ही है विदाउट बॉडी कैविटी. यहाँ आ रहा है नेक्स्ट कैरेक्टर, तो विदाउट बॉडी कैविटी एंड विद थ्रू बॉडी कैविटी, ठीक है. तो अगर विदाउट बॉडी कैविटी है दैट मीन्स ए सी डोमेन, जहाँ भी ए वर्ड यूज किया जाता है इट मीन्स एब्सेंट. ओके, यहाँ पे इट मीन्स एब्सेंट. ए सी डोमेन मतलब कि सिलोम इज एब्सेंट. सो ये एग्जाम्पल इज प्लेटिहल में. एंड इफ इट इज प्रेजेंट देन इट मे बी एनीमिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इंटाइलोडेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा. अब ये किस आधार पे है इसको फिर हम लोग आगे के कैरेक्टर्स को देखेंगे. और अगर फॉल्स कैविटी है तो उसको सेपरेट किया गया है, दैट इज एस हेपेटाइटिस, ठीक है. तो इस तरह से जब एग्जाम्पल्स आते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में और क्लियर हो जाती हैं. अब जो पहले एक सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसको थोड़ा सा देख लें. तो उसमें क्या था कि किंगडम एनिमेलिया में प्रोटोजोआ को एक सब किंगडम के रूप में रखा गया था, और दूसरा था मेटाजोआ, दैट वाज अगेन अनदर सब किंगडम. कैरेक्टर क्या लिए गए थे, माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर. ए सेलुलर का क्या मतलब, ए अगेन मीन्स नो, नो सेल. क्या ऐसा कोई लाइफ एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी सेल, कैन अ लाइफ एग्जिस्ट विदाउट अ सेल. हाँ, वायरसेस जो है वो होस्ट में जाके फिर लाइफ हो जाते हैं.
क्रिस्टलाइजेबल फॉर्म में रखा है ना. एंड हैव यू हर्ड अबाउट पीपीएलओस? क्या है, क्या वहां पे भी पूरा सेल है? अब देखो ये जो ए सेल्यूलर वर्ड है, ए मीन्स न्यू एंड सेल्यूलर का यहाँ मतलब है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट हैविंग ए सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज अ सेल, इट हैज लाइफ, इट हैज द न्यूक्लियस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट. क्योंकि यहाँ सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट में क्या है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का मेम्ब्रेन है ना. तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं इनको. तो यहाँ बेसिक जो चीज़ है वो है कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, वेदर इट इज रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज ईटिंग, ड्रिंकिंग, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन. सो एवरीथिंग इज डन बाई दैट सेम सेल. देर इज नो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और जब हम मेटा फ्लोरा की बात करेंगे तो ये लार्ज होते हैं, इसके कंपैरिजन में लार्ज होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है. और यहाँ पे सेलुलर ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन का, आगे और भी कॉम्प्लेक्स ग्रेड हो सकता है इन मेटा फ्लोरा. स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, सब सेलुलर ऑर्गेनिल्स हैं उसी सेल के अंदर, ऑर्गेनिल्स हो सकते हैं, सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है. सेंट्रियोल इज एब्सेंट एंड देयर यू विल फाइंड द सेंट्रियोल. देन देयर मे बी सिंगल और मेनी न्यूक्लियाई. सिंगल न्यूक्लियाई हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ सिंगल न्यूक्लियाई है, या ट्रिपैनोसोमा है सिंगल न्यूक्लियाई. अगर आप पैरामीशियम की बात करें तो वहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस. देन देयर इज अनदर एग्जांपल कॉल्ड पॉलिस्टोमेला. पॉलिस्टोमेला में कई न्यूक्लियाई, शेल भी प्रेजेंट है, ऐसा भी प्रोटोजोआ है, शेल प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. देन सम ऑफ देम आर फ्लोरेसेंट ऑल्सो, जैसे नॉक्टिल्यूका है, ठीक है. तो इस तरह के इसमें एग्जाम्पल्स भी देंगे. यहाँ पे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे सेल्यूलर ग्रेड है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल तक भी हो सकता है, ठीक है. देन लिटिल फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सेल सारा कुछ कर रहा है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा. जैसे जैसे उसमें हम हायरार्किकली आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देयर ए सेक्शुअल एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, बट देयर इज व्हाट इज कॉल्ड कंजुगेशन. देन पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैं थोड़ी देर पहले बात चेंज कर सकते हैं, कभी छोटे से राउंडेड हो जाएंगे, कभी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा. सो डिपेंडिंग कि वो किस होस्ट में है या कैसा फेवरेबल कंडीशन है, ओके. पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है वो डेफिनेट होगी. यहाँ पे क्या है, समटाइम द स्ट्रक्चर में चेंज, जैसे अमीबा का सुडोपोडिया बनाते रहता है और किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है. These are immortal. The immortal, there is no natural death, and yet there is natural death. So now we are moving on to phylum. एक एक करके हम लोग एक एक phylum study करेंगे. पहला जो phylum है, it is Polyphera. जब भी आप जूलॉजी या बायोलॉजी पढ़िए तो जैसे बायोलॉजी टर्म है बायोस प्लस लॉगोस और उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसी तरह से हर टर्म का स्पेसिफिक मीनिंग पूछने का प्रयास करिए. पॉलीफेरा,
एग्जांपल है, ये उसके बॉडी का कुछ पार्ट्स है, कुछ हिस्सा है। वहाँ इसलिए दिखाए हैं क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इट हेल्प्स एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वही उसका क्लासिफिकेशन का पॉलीफेरा को जब हम बांटेंगे क्लासेस में तो मेन जो कैरेक्टर होगा वो स्पिक्यूल्स ही होगा, उसका जो स्केलेटन है वही होगा। ठीक है, और नाम कैसे बना? फोर बियरिंग फॉर्क्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है यू फ्लैगेला, ये जब छोटा होता है तो उस टाइम पे इसके जो ये स्पिक्यूल्स है वो अपने अच्छे से ग्रो नहीं किए होते हैं। ठीक है, तो जो श्रिम्प है उसका मेल और फीमेल इसके बॉडी में एंटर करता है और वहीं पे वो कैप्चर्ड हो जाता है, कैप्टिविटी में रहता है जब तक कि वो उसकी डेथ नहीं होती, वो नहीं निकल पाता। तो इसी वजह से जापान में इसको एज गिफ्ट दिया जाता है टू न्यूली मैरिड कपल्स, दैट नाउ यू हैव फॉर्म अ पेयर एंड इट शुड गो अप टू डेथ, है ना। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और ये देखो कितने कलरफुल एक सारे हैं, हम लोग इसको एक एक करके इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करें। किसने ये टर्म दिया? रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है, ये वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड, मैंने पहले ही बताया आपको कि फोर बियरिंग फॉर्म्स, फोरस मतलब फोर एंड फेरे का मतलब है टू बियर। अब बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे और क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें आर्कटिक से लेके टेम्परेट रीजन्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्राइटली कलर्ड, आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं इसके, सो दे आर ब्राइटली कलर्ड, ब्राइट रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, वायलेट, इवन सम ऑफ देम आर वाइट। ठीक है, कुछ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं एल्गी के साथ और इस वजह से ग्रीन कलर में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, हाइलो नेमा। ठीक है, अब इनके कैरेक्टर्स को आप देखिए, वही सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो अभी मैं जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स की बात कर रही थी। जब हम फाइलम को स्टडी करेंगे तो आपको शुरुआत में वही कैरेक्टर्स मिलेंगे, फिर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर मिलेगा। तो पहली चीज़ क्या है, मल्टी सेलुलर, मतलब कि सेलुलर ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि टिश्यू ग्रेड नहीं है, ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे, दे आर न्यूक्लियोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर है, दो जर्म लेयर पे क्या क्या है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म इज एब्सेंट। मेराइन, ठीक है, समुद्र में ही पाया जाएगा, सी वाटर में ही मिलेगा, कुछ फॉर्म्स जो है वो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, बहुत फ्यू फॉर्म्स। सॉलिट्री या कॉलोनियल, सिंगली भी आपको मिल सकते हैं और कॉलोनी में भी रहने वाले ये हैं। दे आर ऑल सेजाइल, सेजाइल का क्या मीनिंग है? मूव नहीं करता, उसको सीडेंट्री बोलेंगे। एक्चुअल जो टर्म है जो मूव नहीं करता उसके लिए सीडेंट्री। व्हाट इज सेजिलिटी? ये भी मूव नहीं करता, जो सेजिलिटी है वर्ड मूव ये भी नहीं करेगा, लेकिन सेजिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होने, सो इट विल बी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम एंड इट विल नॉट हैव अ स्टॉक। ठीक है, जिसको स्टॉक रहेगा उसको हम सेजाइल नहीं बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, और ये सीडेंट्री है सेजाइल। ठीक है, बॉडी फॉर्म बेस्ड है, बेस आप
जानते हो, सिलिंड्रिकल क्यूब की तरह, कुशन की तरह, और बहुत सारे ब्रांचेस निकल सकते हैं। बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है तो ब्रांचेस हो गए। रेडियली सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, सारे फॉर्म सिमेट्रिकल नहीं, अगर होगा रेडियली सिमेट्रिकल होगा और एल्स दे आर एसिमेट्रिकल। प्राइम एग्जांपल है कार्निवोरस भी होते हैं, पिंक फॉर्म ट्री स्पॉन्ज, कॉन्ड्रो फैलिया लैम्पैटी ग्लोबस। ऐसे देख के लग ही नहीं रहा है कि पॉलीफेरा है कि नहीं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उससे देखो ये कितना डिफरेंट है। बट इफ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली देन दे विल हैव द पॉलीफेरल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे बॉडी वॉल को अगर हम देखें तो बॉडी वॉल में दो एपिथेलियोइड लेयर, ठीक है, ये रिजेंबल करता है एपिथेलियम। लेकिन क्यों एपिथेलियोइड लेयर है? एपिथेलियम के जैसा है लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जो वहां मिसिंग है, एंड दैट इज द बेसल लैमिना एंड द सेल जंक्शंस। तो इसी वजह से इसको ट्रू एपिथेलियम नहीं कहा गया, एपिथेलियोइड लेयर। व्हाई? बिकॉज बेसल लैमिना और जो उसके बीच में जंक्शंस होंगे सेल्स के बीच में वो नहीं है, और इसीलिए सेल्स जो है वो इंडिविजुअली काम करता है, आंसर आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं चलता। अब इसमें जो बाहरी है उसको पिनाकोडर बोलते हैं और जो अंदर है उसको कॉनोडर बोलते हैं। सो दिस रिजेंबल्स द एक्टोडर एंड दिस इज द एंडोडर, ठीक है। तो आउटर क्या है? पिनाकोडर, और इनर क्या है? कॉनोडर। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है डिफरेंस की, क्वानोडर्म में फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और जो पिनाकोडर्म है उसमें पोरोसाइट सेल्स होते हैं जिसमें पोर्स होता है, ठीक है। तो इसी से आइडेंटिफाई हम करते हैं पिनाकोडर्म विद हैव पोरोसाइट सेल्स जिसमें कि पोर्स होगी या पोर्स होगी, और जो इनर लेयर है क्वानोडर्म उसमें फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट सेल्स, ठीक है। तो पिनाकोडर्म बाहरी है, कवर करेगा बॉडी को, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसमें ये है कि इसको पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, जो सेल्स हैं उनको पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, और इसी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पोरोसाइट्स बनाती हैं जो कि एक्चुअली ऑस्टिया बनाती है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ कोर। तो कोर क्या है? ऑस्टियम। ये पॉइंट समझ में आ गया कि पिनाकोडर्म में जो सेल होगी वो बाहरी सतह बनाएगी, उसे पिनाकोडर्म बोलेंगे, सेल्स को पिनाकोसाइट्स बोलेंगे, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको कि पोरोसाइट्स बोलेंगे, और ये जो पोरोसाइट है यही बेसिकली ऑस्टियम को एनक्लोज किया है, इसी में ऑस्टियम। पोरोसाइट अंदर एक कैविटी में ओपन होता है, ठीक है। तो ऑस्टियम जो है अंदर एक कैविटी में ओपन होता है, दैट कैविटी इज नोन एज द स्पॉन्जोसील, बट इट इज नॉट द बॉडी कैविटी, ठीक है। क्वानोडर क्वानोसाइट से कंपोज होता है। क्वानोसाइट कैसा सेल है? फ्लैटेंड पोलर सेल्स। पोलर सेल्स जब हम बोलते हैं तो मान लो कि इस तरह का एक सेल है, अब इसके यहाँ पे एक कॉलर जैसा दिखेगा, कॉलर समझते हो? तो यहाँ पे कॉलर जैसा इसको इस तरह से घेरे और वहां से फिर एक फ्लैजिला निकले। सो दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड दे लाइन द स्पॉन्जोसील। यहाँ लिखा है दे हैव
नीचे पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये जो पूरा कॉलर बना हुआ है, जैसे फिंगर का इस तरह से इंटर डिजिटेशन है कुछ इसी तरह, और इसी के बीच में फ्लैजेला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो और भी क्लियर होगा। तो दिस इज द फॉर्म साइट, दिस इज द कॉलर, दिस इज द फ्लैजेला। डायग्रामेटिक का इसलिए ऐसा दिखा गया है, अदरवाइज ये कुछ ऐसे इंटर डिजिटेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, एक एग्जाम्पल है, ये कॉमन फेस फॉर बॉडी, जो ये सारे पोर्स हैं बॉडी में, दिस इज कॉल्ड द ऑस्टिया, और एक सबसे बड़ा ऊपर दैट इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलम। डिफरेंस समझ में आ गया कि ऑस्टिया किसको बोलेंगे, ऑस्क्यूलम किसको बोलेंगे। अब ऑस्टिया एंटर करेगा तो ये जो कैविटी है, दिस इज द स्पॉन्जोसिया। पिनाकोडॉन ये येलो वाला पूरा बाहर का सतह है, और क्वानोडॉन ये पर्पल वाला सेल जो है, पोलार्ड सेल, अंदर स्पॉन्जोसिया को लाइन करता है, वाटर करंट को मेंटेन करेगा, तो फीडिंग में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब देखो किस तरह से फ्लैजेला वाटर करंट मेंटेन करेगा, कॉलर माइक्रोविलाई है, सो फूड पार्टिकल्स बीइंग ट्रैप्ड, यहाँ पे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, ठीक है, सेल ईटिंग दिस फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड। अब अगर पूरे बॉडी वॉल को हम देखें, कहीं से भी एक हिस्से से, तो सबसे जो ऊपर का लेयर है पिनाकोडर, एंड दिस इज द कॉर्नर, ये पिनाकोसाइट्स हो गया। अब इसमें देखो एक स्पेशलाइज सेल, दिस इज द पोरोसाइट, यहाँ इसके बीच में ऑस्टिया, ठीक है। ये जो एक एक सेल है इसको क्या बोल रहे हैं, पिनाकोसाइट, इस स्पेशलाइज वन को पोरोसाइट, और ये इसके बीच में पोर है, दिस इज द ऑस्टिया। ये जब हम टोटैलिटी में लेंगे देन इट फॉर्म्स द पिनाकोडर। अब ये चूंकि बाहरी सतह है, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना जरूरी है, सो इट इज सम फॉर्म ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर, एंड हियर दीज आर कॉल्ड द स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्पिक्यूल्स होता है या किसी किसी फॉर्म में स्पॉन्जिंग फाइबर, ये किस चीज का बना, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सिलिका। तो इसी तरह से क्या होगा, कैलकेरियस स्पिक्यूल या फिर सिलिशियस एंड देन द स्पॉन्जिंग फाइबर ऑल्सो। तो यहाँ पे जो सिंपल स्पिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये सिंप्लीफाइड वाला, तो ये स्पिक्यूल्स है। अब बीच में मैंने क्या बताया था, सिंपल सा एक मेसेनकाइमल सेल्स हो सकता है, क्योंकि दो ही जनरेट है यहाँ पे, और उसी मेसेनकाइम में कुछ स्पेशलाइज सेल्स भी होते हैं, जैसे कि अमीबोसाइट, देन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है अमीबोसाइट। इस तरह से बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, अभी आगे आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, पिनाकोडर्म क्या है, क्वानोडर्म क्या है, कॉलर सेल्स कैसी है, और यहाँ ये पूरा ये जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्जोसिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑस्टिया किस तरह से अरेंज्ड है, बॉडी कैसे परफोरेटेड होगा, है ना, और जो सेंट्रल कैविटी है वो स्पॉन्जोसिया है, वो लाइन हो गई कॉलर सेल से। ऑस्क्यूला जो ऊपर की ओपनिंग थी, दैट इज द ऑस्क्यूला, यूजुअली एक होता है, किसी किसी फॉर्म में दो भी हो सकते। अब जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो मीसोफिल में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली मीसोफिल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिखाए गए हैं, और मेन चीज यहाँ है
साइट रिजर्व फूड मटेरियल लिए हुए होगा, सम ऑफ द ग्रैंडुलर सेल्स या स्लाइमी सब्सटेंस म्यूकस जैसा सब्सटेंस सीक्रेट करेगा, स्पॉन्जोसाइट्स ये स्पॉन्जिंग फाइबर बनाएगा, ट्रोफोसाइट्स डेवलपिंग सेल को न्यूट्रिएंट मटेरियल देगा, मायोसाइट्स दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगे ऑस्क्यूलम के पास प्रेजेंट है, तो इसी वजह से ये जो कोर है इसकी साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। देन देयर आर सेक्स सेल्स जो कि आर्कियोसाइट्स के द्वारा बनेगा, ब्रीडिंग सीजन में बनेगा। देन आर्कियोसाइट जो है ये टोटीपोटेंट सेल, ठीक है, दे आर टोटीपोटेंट सेल्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू एनी अदर सेल टाइप, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुई। आर्कियोसाइट जो सेल्स है स्पेशलाइज्ड सेल्स है बट दे हैव नॉट बीन डिफ्रेंशिएटेड, सो एट एनी स्टेज दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी ऑफ द सेल टाइप। देन ग्रे सेल्स इक्विवेलेंट टू इम्यून सेल्स, सो यू कैन सी कि एनिमल किंगडम जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ इम्यून सेल्स भी वहाँ पे आ गए, इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और आज हम मतलब सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग हो, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो लोग कोरोना से बचे रहे, इवन इफ दे वर एक्सपोज्ड टू कोरोना पेशेंट्स उनको कोरोना ने कुछ नहीं किया, है ना, तो इम्यूनिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इम्यून सेल्स यहाँ पे भी मतलब कि कुछ ऐसे सेल्स यहाँ पे भी पाए गए हैं जो कि सिमिलर हैं कुछ इम्यून सेल्स से, दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों लाए, यही तो ट्रिक होती है एमसीक्यू बनाने में, इनमें से किस में इम्यून सेल नहीं पाया जाए, यूजुअली उस तरह का ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, आप वहाँ से चॉइसेस देखो, हो सकता है नन ऑफ दी अबव ही उसमें आपको चॉइस मिले। Yeah.
कहते हैं टेट्रा कई प्रकार का, ठीक है, ये ट्राई रेडिएट, देन दिस वन इट इज कॉल्ड एम्प्टी डिस्क, एम्प्टी मतलब होता है दो, दोनों साइड है ये मोनो एक्सॉन, लेकिन यहाँ भी एक डिस्क है, यहाँ भी एक डिस्क है, सो एम्प्टी डिस्क, देन दिस इज हेक्स एक्टिनल, सिक्स रेज, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
फेरस सिस्टम है या कैनाल सिस्टम उसको बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसी टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो इससे भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, किस टाइप का कैनाल सिस्टम किस एनिमल में है या कौन से क्लास में कौन सा कैनाल सिस्टम। लेकिन एक बार ध्यान रखना, ये ऐसे भी पूछा जाता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसमें स्केलेटल सिस्टम कैनाल सिस्टम तो कंफ्यूज करके कैनाल सिस्टम ये मत करना। अगर दो से ज़्यादा का आपको चॉइस मिल रहा है तब इसको भी रखा जाता है, बट इट इज़ नॉट द ओनली वन एंड नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द स्पीक्यूज या स्केलेटल। कैनाल सिस्टम क्या है? एक तरह का वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर किधर से एंटर करेगा और किधर से बाहर निकलेगा और अपने साथ वो किस तरह के सब्सटेंसेस को लाएगा और उससे इसकी फिजियोलॉजी चलेगी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉलीफेरेंस और मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या एसोसिएटेड है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सक्रीशन, देन फूड एक्विजिशन, जो खा रहे हैं वो उसी की वजह से खा रहे हैं। गैस का जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है इसी की वजह से। सो इट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, एस्कोनॉइड, साइटोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड, तीन तरह का। सिंपल वर्ड में जाने तो एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकोन। ओके, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकोन। एस्कॉन जो है वो सबसे सिंपल, यहाँ पे देखो बॉडी वॉल क्या है, सिंपल है, पर जितने ट्रैक में भी है, आउटर पिनाकोडर, इनर कॉर्नोडर। ठीक है, तो यहाँ ऑस्टिया है, ऑस्टिया से वाटर करेंट आ रहा है, तो एंटर किया वाटर, इट विल ब्रिंग इन फूड पार्टिकल्स एंड ऑल्सो द ऑक्सीजन, ये स्पॉन्जोसीन में आ गया। यहाँ पे क्या है, कॉलर्ड सेल्स, अब वो फ्लैजिला मूव करेगा और इसके अंदर एक वाटर का करंट डेवलप करेगा, इससे फूड पार्टिकल्स मोनोसाइट्स के अंदर चले आएंगे एंड दे विल फीड ऑन दोस, उसका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कराएगा, फिर वही सब्सटेंस जो पार्टली डाइजेस्टेड है मोनोसाइट में चला जाएगा और फुली डाइजेस्टेड। तो ये जो कैनाल सिस्टम है ये एस्कॉन है। दूसरा है सिंगल साइकॉन है। अब क्या हुआ है कि बॉडी वॉल ऐसे फोल्ड, अब दो लेयर है, ठीक है, आप इमेजिन करो कि दो लेयर है और इस तरह से फोल्डिंग्स हो जाए तो कैसा अरेंज। यहाँ पे पिनाको डर्म और यहाँ पे कॉर्नो डर्म, फिर ये इधर बाहर का, इसमें आप देखो ये पिनाको डर्म और इसी में अंदर यहाँ जो ये किनार जैसा बना इसके अंदर कॉर्नो डर्म। सो द बॉडी वॉल का स्टेटमेंट है ज़िगज़ैग ट्रैक एंड दिस इज द रीजन व्हाई यहाँ पे जो ऑस्टिया है वो अब ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैनाल बन गया, दैट इज कॉल्ड द रेडियल कैनाल। ऑस्ट्रिया से पानी इस वर्ष जब जाएगा तो ये रेडियल कैनाल में जाएगा और तब उस स्पॉन्जोसीन में जाएगा। ये जो पाथ है आपको याद रखना है, एस्कॉन टाइप में कैसा होगा, साइकॉन टाइप में कैसा होगा और जो कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप है उसमें कैसा होगा, तो ल्यूकॉन टाइप में कैसा होगा। अब यहाँ पे फर्दर कॉम्प्लेक्स आई, ठीक है, तो ये इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे चेम्बर्स बन गए। यहाँ जाके आपको ये और भी क्लियर हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे चेम्बर्स बन गए। अब वो जो चेम्बर है वही लाइन है बाई क्वानोसाइट्स एंड दे आर कॉल्ड द फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स साइकोनॉइड टाइप तक चला गया। ठीक है,
इसी हिसाब से यहाँ कुछ नए टर्म्स भी आ गए, जैसे कि ये ग्रेटर देनर एंड दी एको फाइल, ठीक है, एंड ऑल्सो क्रोसोफाइल क्या है और एको फाइल देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है this
स्पॉन्जिन फाइबर्स का प्रेजेंस। तो यहाँ पे कैल्केरियस, यहाँ पे सिलिशियस, इसमें भी स्टिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें भी स्टिक्यूल्स मिलेंगे, बट ये कैल्केरियस होगा, ये सिलिशियस होगा, ठीक है। अब यहाँ सिक्स वे स्टिक्यूल है बट इट इज सिलिशियस, और यहाँ पे है मोनो एक्सॉन या टेट्रा एक्सॉन, नेवर ट्राई एक्सॉन, सिक्स वे यहाँ पे नहीं मिलेगी, और वहाँ पे सिलिशियस यहाँ पे देखो वन या फोर। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देन एस्कॉन साइक्लोन न्यूट्रॉन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम, तीनों टाइप का केनाल सिस्टम प्रेजेंट है। इसलिए इस कैरेक्टर को बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेकिन जो स्केलेटन का पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मोनोसाइट्स रेस्ट्रिक्टेड टू फिंगर शेप,